वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग इवेल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट से फैक्टराइजेशन मेथड पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझा था, तो देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, यहाँ पर जैसे लिमिट है एक्स टेंस टू ए है, एफ एक्स बाई जी एक्स है ना, एट एक्स इक्वल टू ए, हम ए पर पुटअप करेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करके जो है जीरो बाई जीरो फॉर्म से हमको हटाना है, ठीक है। अगर मेरे पास जीरो बाय जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। कहने का मतलब है अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो क्या करेंगे, उसको फॉर्म को चेंज करेंगे, और फॉर्म को चेंज करके हमको उसको फैक्टराइजेशन में सॉल्व करेंगे ताकि वो जीरो ना आए, ठीक है। तो उसके बाद जो आएगा मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो उसको क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू हम उस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल से, देखते हैं तब समझ में आएगा। एग्जांपल में दिया है लिमिट x टेंस टू 2 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2 पुटअप करके देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आ रहा है, 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पर ये मेरे पास नॉट डिफाइंड हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फॉर्म को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, फैक्टराइजेशन करके, फैक्टर करके इसका फैक्टर निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 6 का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 6 में मेरे पास निकल रहा है ना ये 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 से हम चेंज कर सकते हैं, और 2 और 3 को यहाँ पर पुटअप करके देखते हैं। तो पुटअप करने पर मेरे पास आ रहा है यहाँ पर ये 2 और 3 से मेरे पास माइनस 5x तो आ ही जा रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x लिख सकते हैं, और ये क्या हो जा रहा है, प्लस 6 है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं x को, तो x माइनस 2, इसमें से माइनस 3 ले लेते हैं तो x माइनस 2, सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से फैक्टर होता है, तो x माइनस 2 हो गया और ये x माइनस 3 हो गया, और यहाँ पर क्या है नीचे में, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्म में है, मतलब 2 का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2 क्या आ गया, x माइनस 3 बाय एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर 2 पुटअप करके देखते हैं, अब मेरे पास 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2, यानी क्या हो गया माइनस 1 बाई 4। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और एक एग्जांपल, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। लिमिट एक्स टेंस टू रूट 2 है, एक्स का पावर 4 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट 2 माइनस 8 है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एट यहाँ पर देखते हैं, ये मेरे पास है लिमिट x टेंस टू रूट 2 है ना, एट x टेंस टू क्या है रूट 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट 2 माइनस 8। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में चेक करके देखते हैं, ये यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 इंटू रूट 2 इंटू 2 कितना, रूट 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 2 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और ये माइनस 8 क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो ये फॉर्म तो 0 बाई 0 में चला जा रहा है नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉट डिफाइंड हो जा रहा है तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्म को चेंज करेंगे। अब फॉर्म को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे, फैक्टराइजेशन का तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो x का पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, या 4 को 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 8 का एलसीएम से हम ब्रेक कर सकते हैं, 8 का एलसीएम जिसे हम दिखा देते हैं फिर से कैसे ब्रेक करेंगे, 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब यहाँ पर रूट 2 टाइम्स में देते हैं तो रूट 2 रूट 2, ठीक है, ये 4 रूट 2 और ये रूट 2, 4 रूट 2 में रूट 2 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। तो यही तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, 3 रूट 2 दिया हुआ, नंबर्स में दिया हुआ ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x भी लगा हुआ, 4x रूट 2 माइनस x रूट 2 कर सकते हैं इसको हम, और ये माइनस 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऊपर में तो हो गया मेरे पास, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में चला गया, तो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पर कितना है 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब नीचे में क्या आ गया, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जा रहा है, ये x कॉमन लेने पर आ जा रहा है यहाँ पर एक्स प्लस 4 रूट 2 आ गया, इसमें से क्या करेंगे, माइनस रूट 2 को कॉमन ले लेते तो एक्स प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा। देखो 8 को जो है, 8 को 4 रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 8 ही ना आएगा, तो रूट 2 बाहर कर दे तो बचा क्या 4 रूट 2, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों तो सेम टर्म है, तो इसको सेम टर्म को लिख दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया, x माइनस रूट 2, x माइनस रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये x फिर से ये हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस टू जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स प्लस रूट टू और एक्स माइनस रूट टू आया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर रूट टू। ठीक है, इस तरह से आया मेरे पास। कैंसिल करने के बाद ये लिमिट एक्स टेंस टू रूट टू है अभी भी, जब तक इसको वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, इसको रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया ये, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जा रहा है, एक्स प्लस है रूट टू है ना, तो ये रूट टू प्लस हो गया, ये रूट टू यानी टू रूट टू हो गया, और यहाँ पर एक्स का रूट टू का स्क्वायर मीन्स क्या, अगर टू हो जाएगा, टू प्लस टू फोर हो गया ये, और ये रूट टू प्लस फोर रूट टू कितना आ गया, फाइव रूट टू, ये रूट टू कैंसिल आउट हो गया, एट बाई फाइव, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, एट बाई फाइव। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और हमें कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनलाइजेशन मेथड पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।